गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों हम लोग कुछ दिन से योगा के वार्म अप, योगा की कुछ आसन और कुछ हमने कूल डाउन एक्सरसाइजेस सीखी थी। बच्चों आज से जो हम सीखने वाले हैं वो हमारा योगा के कुछ स्टैंडिंग आसन होंगे। हम कुछ एडवांस आसन सीखने वाले हैं बच्चों आज से, जिसमें से जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारा स्टैंडिंग आसन से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि स्टैंडिंग आसन में हमें कौन कौन से आसन करने हैं। सबसे पहला जो आसन बच्चों हम करने वाले हैं वो हमारा ताड़ासन है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हमें ताड़ासन बनाना है। सो बच्चों ताड़ासन के लिए हमें सबसे पहले नॉर्मल पोजीशन में इस तरह से खड़े हो जाना है। इस तरह से खड़े होने के बाद हम अपने हैंड को स्लो स्लो ओपन करते हैं। ओपन करके हम अपने हैंड को इस तरह से आगे लाकर अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करते हैं। इंटरलॉक करने के बाद हम इसे आउटसाइड की तरफ टर्न करते हैं। देन स्लो स्लो हम अपने हैंड को ऊपर लेके जाते हैं। हैंड ऊपर जाने के बाद हम अपने हील को उठा देते हैं और अपने टोस पे इस तरह से होल्ड करते हैं। इस पोजीशन को ही बच्चों हम ताड़ासन कहते हैं। इस पोजीशन पे हम मिनिमम 10 सेकेंड तक खड़े रहेंगे। दिस इज कॉल्ड ताड़ासन। आफ्टर कंप्लीटिंग 10 सेकेंड हम इस पोजीशन को स्लो स्लो रिलीज कर देंगे। सो बच्चों ये हमारा ताड़ासन था। हम ताड़ासन को एक बार और परफॉर्म करेंगे। बच्चों आप देखिए कि किस तरह से मैंने ताड़ासन बनाया, एक बार आप फिर से देखिए। सो ये बच्चों हमारा फर्स्ट आसन ताड़ासन कंप्लीट होता है। देन सेकेंड आसन जो हम करने वाले हैं वो हमारा त्रिकोण आसन है। तो आइए देखते हैं कि त्रिकोण आसन हमें किस तरह से करना है। त्रिकोण आसन के लिए बच्चों हम अपने लेग को इस तरह से स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करने के बाद हम अपने राइट लेग को राइट साइड टर्न कर देंगे। इस तरह से हम अपने लेग को राइट साइड टर्न करेंगे। राइट साइड टर्न करने के बाद हम स्लो स्लो राइट साइड टर्न होके इस तरह से अपने बोथ हैंड से अपने एंकल को होल्ड कर लेंगे। होल्ड करने के बाद हम स्लो स्लो अपने लेफ्ट हैंड को ओपन करेंगे इस तरह से, और अपनी बॉडी को स्ट्रेट करते हुए इस तरह से हम ऊपर की तरफ अपने फेस को कर देंगे। बच्चों इस पोजीशन को ही हम त्रिकोण आसन कहते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग 10 सेकेंड हम इस पोजीशन को स्लो स्लो रिलीज कर देंगे। देन सेम चीज हमें बच्चों लेफ्ट लेग से भी करना है। और लेफ्ट लेग से करने के लिए हम अपने लेफ्ट लेग को इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम अपने बोथ हैंड से लेफ्ट एंकल को होल्ड करेंगे। देन अपने राइट हैंड को स्लो स्लो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इस तरह से ओपन करके रख देंगे। इस तरह से हमें अपने हैंड को सीधा रखना है। देन स्लो स्लो अपने फेस को टर्न करना है, अप करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग 10 सेकेंड हम इस पोजीशन को धीरे धीरे रिलीज करेंगे। हम स्लो स्लो इस तरह से इस पोजीशन से वापस आ जाएंगे। बच्चों ये हमारा सेकेंड आसन त्रिकोण आसन था। बच्चों अगर किसी भी बच्चों के बैक में पेन हो तो ये आसन आप ना करें, क्योंकि बच्चों जब हम ये आसन बनाते हैं तो हमारे थोड़ा सा बैक में पेन होता है। तो अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है
तो आप इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। थर्ड आसन जो बच्चों हम करने वाले हैं वो हमारा है वीरभद्रासन। आइए देखते हैं कि वीरभद्रासन हमें किस तरह से करने हैं। वीरभद्रासन के लिए बच्चों हम अपने लेग को इस तरह से स्प्रेड करते हैं, इस तरह से हम अपने लेग को स्प्रेड करेंगे और फिर अपने दोनों हैंड को इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम बच्चों एक बार चेक करते हैं कि हमारा दोनों हाथ स्ट्रेट है कि नहीं। अभी मेरा दोनों हाथ स्ट्रेट है। देन हम अपने राइट लेग को राइट साइड टर्न करेंगे। देन हम राइट साइड इस तरह से बेंड हो जाएंगे। बेंड होने के बाद मेरा फेस भी धीरे धीरे राइट साइड की तरफ टर्न हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा वीरभद्रासन था। इस पोजीशन में हम 10 सेकंड होल्ड करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग 10 सेकंड हम इस पोजीशन से स्लो स्लो रिलीज कर देंगे। देन हम इसी पोजीशन को बच्चों लेफ्ट लेग से बनाएंगे। लेफ्ट लेग के लिए भी हम अपने लेग को इस तरह से स्प्रेड करेंगे, अपने हैंड को ओपन करेंगे, चेक करेंगे कि हैंड स्ट्रेट है कि नहीं। देन हमने अपने लेफ्ट लेग को इस तरह से टर्न किया लेफ्ट साइड। देन लेफ्ट साइड हम बेंड हुए। बेंड करने के बाद हमारा फेस टर्न होगा और 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद हम स्लो स्लो इस पोजीशन को धीरे धीरे से रिलीज करेंगे और ये हमारा वीरभद्रासन कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों ये हमारे 3 आसन थे आज के, जो आज हमें सीखना था। फर्स्ट हमने सीखा ताड़ासन, सेकंड हमारा था त्रिकोणासन, थर्ड हमने सीखा वीरभद्रासन। तो बच्चों आप इन आसन को बनाएं और प्रैक्टिस करें और फिट रहिए।